आप राजनीति में कब आए, कैसे आए? सबसे पहले हम आपको बता दें कि 1984 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में हमने काम किया, फिर ब्लॉक संयोजक के रूप में हमने काम किया। विद्यार्थी परिषद के रूप में जब काम किया तो छात्र शक्ति के रूप में हमारे साथ में सब हमारे युवा टीम जुड़ी, हमसे छात्र बच्चे भी जुड़े, हमारे साथी भाई भी जुड़े, बहुत आगे बढ़े। वो आज कई महीने और डॉक्टर हैं, बहुत बड़े बड़े पोस्टों पर हैं हम, लेकिन हम अपने आप को भी सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें भी एक समाज सेवा, क्योंकि एक गरीब परिवार में जन्म हुआ था, माता पिता ने मेहनत और मजदूरी की, लेकिन गरीब परिवार में जन्म लेना कोई अभिशाप नहीं होता, बल्कि मन के अंदर हौसला होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, लगन होना चाहिए, एक निष्ठा होना चाहिए कि हमें बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ना है। तो वो लक्ष्य हमारे अंदर रहा, हमें बड़े बूढ़ों का बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, हर समाज वर्ग के गाँव के लोगों ने हमें अपना आशीर्वाद दिया, उसके आधार पर हम आगे बढ़े। और आगे बढ़ने के साथ साथ हम आपको कुछ भी बता दें कि हम विद्यार्थी परिषद में थे तो बहन उमा श्री भारती जी जो यहाँ की सांसद हुआ करती थी, पहले उन्होंने सांसद के रूप में यहाँ पर 5 बार चुनाव लड़ा और 5 ही बार एक सौभाग्यशाली हम पूरे हमने खरगापुर विधानसभा क्षेत्र का एक विधानसभा प्रभारी के रूप में काम किया। बहन उमा श्री भारती जी पूरे टीकमगढ़ छतरपुर जिले में जब 7 विधानसभाओं से हार गई थी, लेकिन हमारी खरगापुर विधानसभा क्षेत्र पिछले बार भी 65 वोट से उस विधानसभा क्षेत्र में भी जीती थी। तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमें एक राष्ट्रीय नेता भी हमें यहाँ पर मिले, उनका भी हमें बहन उमा श्री भारती जी का मार्गदर्शन मिला और उनके मार्गदर्शन के साथ साथ हमने आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी, और हमें टिकट भी पहली बार जब 2003 में विधानसभा का टिकट मिला था तो बहन उमा श्री भारती जी ने जनता की मांग के आधार पर, कार्यकर्ताओं की मांग के आधार पर हमें टिकट मिला था। जब टिकट मिला तो लगभग 28,000 वोट से जब चुनाव जीते, और 28,000 वोट से चुनाव जीते ये 2003 की बात है, लेकिन उसके पहले 1999 में जब चुनाव हुआ, पहले 1993 में जब चुनाव हुआ तो हमारी पत्नी श्रीमती विंदेश्वरी खड़ी 1994 में और नगर पंचायत के उपाध्यक्ष, पहले पार्षद बनी फिर उपाध्यक्ष बनी, 1999 में चुनाव हुआ तो हम नगर पंचायत के अध्यक्ष बने, हम अध्यक्ष के पद पर रहते हुए मिट नहीं पाए, तो 2003 में हमें विधानसभा का टिकट बहन उमा श्री भारती जी ने दिया, तो वो भी हम 28,000 लगभग वोटों से चुनाव जीते, और 2004 में जब हुआ तो फिर हमारी पत्नी वाले फिर नगर पंचायत के अध्यक्ष बने। लगातार 25 साल से हम लोग नगर पंचायत पलेरा में एक व्यवहार की समझ लो या जनता की सेवा भावना के आधार पर समझ लो या विकास के आधार पर समझ लो, कुछ भी आज समय हमने वहाँ पर काम करने का प्रयास किया, और इतना हमें आज भी विश्वास है कि पलेरा नगर में हम अगर जनता का लाल प्यार स्नेह रहा और पार्टी का आशीर्वाद रहा तो फिर पलेरा नगर फिर जीतेंगे अपन लोग, जिसको भी टिकट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी का उसके लिए भी हम काम करेंगे जो इस तरीके से मेहनत करेंगे। लेकिन हम आपको अपने आप में ये सौभाग्यशाली मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सम्मानी बहन उमा श्री भारती जी जब मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी उनका लाल प्यार स्नेह आशीर्वाद हमें मिला, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। सम्मानी बाबूलाल गौर साहब मुख्यमंत्री बने उनका भी हमें स्नेह आशीर्वाद मिला, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जब बने तो लगातार उनका आशीर्वाद हमें कंटिन्यूस मिलता रहा। 2008 में उनने जतारा विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया, हमने तैयारी तो की थी खरगापुर विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन हमारी परीक्षा केंद्र जब आई, परीक्षा केंद्र का समय आया तो परीक्षा केंद्र बदल के जतारा हो गया, यहाँ भी हमने हिम्मत नहीं हारी, 8 वोटों से लगभग हम यहाँ से भी जीत गए थे। तो दूसरी बार जब चुनाव लड़े जब 20,000 वोट मिले थे हम विधायक और मंत्री बने 20,389 वोट में, जब लगभग हमें 51,000 वोट मिले तो हम जतारा विधानसभा क्षेत्र में 233 वोट से हार गए। कोई बात नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, हमें 30,500 वोट ज़्यादा मिला, फिर भी हमारी कोई गलती रही होगी, कोई कमी रही होगी किसी प्रकार से, जिससे कम से कम हमें जनता ने माने 5 साल हमें रेस्ट करना पड़ा, लेकिन रेस्ट करने के बाद हमने हिम्मत नहीं हारी, इस क्षेत्र में लगातार संघर्ष किया, मेहनत की, जो इस क्षेत्र की मांगें थी उस क्षेत्र को हमने अधूरा नहीं होने दिया, काम करते रहे। और 511 बांध का तो लगातार हमारा गतिशील काम बचपन से सपना जो था वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरा किया था, बहन उमा भारती ने पूरा किया था, तो 511 बांध के रूप में हमने काम किया, और आज भी जो भी काम इस क्षेत्र का होता है वो बता देते हैं कि ये काम होना है, हमें पूरा विश्वास रहता है कि ऐसा काम हमको करना। अभी टीकमगढ़ जिले की सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि टीकमगढ़ जिले के डॉक्टर 10 डॉक्टरों की ड्यूटी हमने जताना पे लगाई है, तो वो शनिवार रविवार फिक्स कर दिया है, किसी को सोमवार कर दिया, किसी को मंगलवार कर दिया, कोई कैंसर वाले डॉक्टर आएंगे, कोई माता बहनों के इलाज के लिए डॉक्टर आएंगे, कई ऐसे हमने दिन भी फिक्स कर दिए हैं। तो जतारा का अस्पताल आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं 4 करोड़ की हमने बिल्डिंग बनवा के दी है, वो 4 करोड़ की बिल्डिंग ही नहीं है अकेली, यहाँ पर पर्याप्त डॉक्टरों की व्यवस्था भी है, यहाँ पर 10 डॉक्टर हमने टीकों से उनकी व्यवस्था लगा दी, और ऑक्सीजन की जो सांसें हैं ऑक्सीजन की सांसों के अभाव में कई हमारे मित्र जैसे संजय सिंह जैसा भाई हमारा भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष मंडल के अध्यक्ष भी रहे, वो जैसा भाई हमसे दूर चला गया ऑक्सीजन के अभाव में, लेकिन अब ऑक्सीजन के अभाव में किसी की दम भी टूटे, ऑक्सीजन के अभाव में कोई भाई हमसे हमारी माँ बहन भाई हमसे बिछड़े ना, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी दिन रात इसकी चिंता करते हैं कोरोना के, उसमें हम लोगों ने भी चिंता की मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों के आधार पर। और आज हम आपको बता दें कि हमारे विधायक विकास निधि से 46,02,000 रुपये से हमारा ऑक्सीजन प्लांट भी लग गया है, और बड़ा से बड़ा हमारा जनरेटर भी यहाँ पर आ चुका है, तो अब ऑक्सीजन पर्याप्त यहाँ से मिलेगी, यहाँ से 79 ऑक्सीजन के सिलेंडर भी प्रतिदिन भरे जाएंगे, 330
ML प्रतिदिन उसमें ऑक्सीजन भी बनेगी। ऐसी अनूठी सौगातें हमारे कार्यकर्ताओं की मांग के आधार पर हमने यहाँ पर दी है। संजय ऑक्सीजन प्लांट भी यहाँ पर लग चुका है। ये सौभाग्यशाली हम लोग हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना बीमारी जल्द से हमारे क्षेत्र से खत्म हो, पूरे मध्यप्रदेश से खत्म हो, पूरे देश से खत्म हो, जिससे अपने मध्यप्रदेश का और देश का विकास हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विधानसभा के लोकप्रिय विधायक हरिशंकर खटीक जी।